हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव टू वॉच को हम कैसे कनेक्ट करेंगे फिट प्रो ऐप से या तो ए टी टू वॉच। तो गाइस, ये वॉच का मॉडल नंबर ए टी टू है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको इसके ऑफिशियल ऐप फिट प्रो ऐप से कैसे कनेक्ट करना है। तो एक गैलेक्सी एक्टिव टू की क्लोन कॉपी है गाइस। तो अब मैं इसको फिट प्रो ऐप खोल दूंगा गाइस। आपको फिट प्रो ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो ये मैंने फिट प्रो ऐप खोल दिया है। अब आपको सेट पे जाना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले ब्लूटूथ ऑन करना है, जो कि ऐप खोलने के बाद हो ही जाता है। और लोकेशन याद से आपको ऑन कर देना है। तो ये मैंने लोकेशन भी ऑन कर दी है। अब मैं वॉच को फाइंड करूँगा। तो कितने बार अगर वॉच फाइंड ना हो तो आपको उसका डिस्प्ले ऑन कर देना है, पर वॉच वैसे फाइंड हो ही जाती है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ लिख के आ चुका है 82। तो अब इसे कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए, सारे ऑप्शन कनेक्ट हो चुके हैं और वॉच का डिस्प्ले ऑन हो चुका है। इसका मतलब वॉच कनेक्टेड है। तो यहाँ आपको आपके पूरे स्टेप्स दिख जाते हैं कि कितने आपने स्टेप्स लिए। ऐसे हार्ट रेट दिख जाता है। आप ऐप से ही स्टार्ट कर सकते हो मेजर करना। ये देखिए गाइस, सेंसर खुद ही स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से स्लीप काउंट होता है और यहाँ हेल्थ हैबिट्स, पर इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है। अब मैं सेट में जाऊँगा तो सारे मेन फीचर्स सेट में ही होते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ ऊपर लिख के आ चुका है 82। तो अगर आपको इसको फाइंड करना है तो आप फाइंड करके चेक कर सकते हो कि वॉच कनेक्टेड है कि नहीं है। तो ये मैंने चेक कर लिया है कि वॉच कनेक्टेड है। अब यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन पे मैं आऊँगा, जिसको ब्राइटनेस कंट्रोल यहाँ लिख के आता है, पर ये वॉच की को वेकअप जेस्चर है कि अगर आप बिना वॉच को हाथ लगाए वॉच की स्क्रीन ऑन कर सकते हो। ये देखिए, ये मैंने ऑप्शन को ऑन कर दिया। अब वॉच का डिस्प्ले ऑफ है। तो मैं बिना वॉच का डिस्प्ले हाथ लगाए ऑन करूँगा। तो आप इसको ऑन कर सकते हो ईजीली। इसे कहते हैं वेकअप जेस्चर। डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी है कि अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो वॉच में कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आएगी। अलार्म है, आप अलार्म सेट कर सकते हो। सिटिंग रिमाइंडर की, आप कितनी देर बैठोगे तो वॉच आपको रिमाइंड करेगी। अब ऐसे शूट मेथड आ जाता है। तो शूट मेथड के लिए मैं इसको कैमरे की एक्सेस दे रहा हूँ और अलाउ कर रहा हूँ। तो अब आप देखोगे कि मैं जैसे शूट मेथड पर क्लिक करूँगा फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो 3, 2, 1 काउंटर से फ़ोटोज़ क्लिक हो जाएगी और फोटोज़ क्लिक होकर यहाँ सेव हो जाती है और सीधा गैलरी में चली जाती है। तो वॉच एक रिमोट के जैसी एक्ट करती है इसमें। तो ये शूट मेथड है। फिर उसके बाद मैसेज पुश में जा सकते हो। आप आपकी वॉच में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके पूरे नोटिफिकेशंस ले सकते हो। यहाँ से इसे आप ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप को ऑन किया, तो अब मैं ओपन करूँगा तो ये मुझे नोटिफिकेशन एक्सेस में लेके जाएगा। उसके लिए मेरे को फिट प्रो को परमिशन देनी पड़ेगी। और फिर यहाँ से मैं वापस फिट प्रो में आ जाऊँगा। तो अब आप देखोगे तो फिट प्रो में नोटिफिकेशन एक्सेस ऑन हो चुकी है। तो ये भी काफ़ी अमेजिंग फीचर है। अब मेन फीचर की बात करेंगे तो आप कॉन्टैक्ट्स भी ऐड कर सकते हो इसमें बहुत इजीली, और कॉलिंग भी कर सकते हो। मैं आपको मेन फीचर बता देता हूँ, जिसका नाम है डायल सेटिंग्स। डायल सेटिंग्स अगर आपकी वॉच में ना खुले तो आपको चेक करना है कि आपकी वॉच जो है वो जो आपका ऐप है तो वो ऐप इंटरनेट से कनेक्ट है कि नहीं है। कि कितने बार ऐप इसलिए भी नहीं खुलता है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता डायल सेटिंग्स का। तो अब आप देखोगे कि तो रिकमेंडेड में आपको एक ही वॉलपेपर आएगा। ये अगर आप ऐप अपडेट करते रहते हो ना तो ये ऐड होते रहते हैं। तो अब मैं यहाँ आ जाता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ कई सारे वॉलपेपर्स हैं, बहुत अमेजिंग है। ये सब अभी लोड हो रहे हैं इसलिए ये सब चेंज हो रहे एक साथ, किसी लोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे वॉलपेपर्स हैं। तो अब मैं ये सब लोड हो रहे हैं तो मैं अब ये वाले वॉलपेपर पे क्लिक कर लेता हूँ। पर ये सब लोड हो रहे हैं तो कोई और भी वॉलपेपर आ सकता है। तो आप देखोगे कि मैं क्लिक किसी और वॉलपेपर पे किया था और आ कोई और गया। तो क्योंकि ये अभी लोड हो रहा है, ऐसे लोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी वॉलपेपर डाउनलोड होगा फोन में। अब आप देखोगे तो यहाँ इंटरफेस आएगा कि आपको वॉलपेपर कैसा दिखेगा। तो आप इस क्लॉक को ऊपर नीचे भी कर सकते हो और इसको यहाँ क्लिक करके फोटो अपलोड भी कर सकते हो। अब आप देखोगे कि फोटो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप देखोगे कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब वॉच जो है वो स्टार्ट होगी वापस और आप देख सकते हो यहाँ वॉलपेपर ऐड हो चुका है और ये कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है और फुल HD वॉलपेपर है गाइस। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको आपकी खुद की फ़ोटो कैसी ऐड करनी है। तो आपको चेंज द डायल पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे। तो मैंने गैलरी में जाके ये वाली फ़ोटो सेट कर ली थी क्योंकि गाइज मैं गैलरी ओपन नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर ली थी। तो अब मैं इसको ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो अब आप देखोगे कि इसको आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से क्लॉक और इसे अपलोड कर सकते हो। तो अब ये फ़ोटो पूरी अपलोड हो ही चुकी है। तब वॉच वापस रिस्टार्ट होगी और अब आप देख सकते हो कि जो फ़ोटो हमने लगाई थी वो फ़ोटो आ चुकी है और ये कितनी अमेजिंग लग रही है। और गाइस इसकी खास बात है कि इसमें सारी फ़ोटोज़ HD में अपलोड होती है और ये इसका मेन्यू स्टाइल है। आप इसके मेन्यू स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, इसमें दो टाइप के मेन्यू स्टाइल आते हैं। तो ये काफ़ी अमेजिंग है। तो आप आपकी खुद की फ़ोटो भी डाल सकते हो फिल्टर ऐप के थ्रू और यहाँ से आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो, कॉलिंग भी कर सकते हो। आप चाहो तो मेरी व्हाट्सएप की वीडियो भी चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। और यहाँ मोशंस पे जाओगे तो आपको ऐप को लॉग इन करना पड़ेगा। इससे यहाँ मैप पूरा ओपन हो जाता है और मैप फिर देखता है आपकी पूरी लोकेशन कि आप कहाँ जाते हो, उस पर एग्जैक्ट किलोमीटर होते हैं। और ये यहाँ से आप आपकी प्रोफाइल देख सकते हो अबाउट और यहाँ आप लॉग इन कर सकते हो यहाँ से ऐप को। तो वैसे नेसेसरी नहीं है, आपको लॉग इन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लॉग इन ना करो तो ही अच्छा है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।